एशिया कप में मिली हार के बाद पाक टीम की नाकामी के बाद पाक कप्तान सरफराज अहमद की कप्तानी पर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्हें तुरंत कप्तानी से हटा देना चाहिए। बता दें कि ये वही सरफराज है जिनकी कप्तानी में ही पाकिस्तान ने साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। अब सरफराज की कप्तानी और टीम के प्रदर्शन पर पाकिस्तान के मुख्य चयनकर्ता और महान क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने पहली बार प्रतिक्रिया अपनी दी है। इंजमाम ने कहा कि सिर्फ टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन के कारण कप्तान बदलना सही नहीं होगा और ना ही अभी इसकी ज़रूरत है। इंजी ने कहा कि सरफराज को कप्तान के पद से हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। हम मानते हैं कि जिस तरह की उम्मीद हमें कप्तान और टीम से थी वह उसमें नाकाम रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सरफराज को कप्तानी से हटा देना चाहिए। मुझे अभी भी पाकिस्तान की टीम और सरफराज पर पूरा भरोसा है और इस भरोसे पर मैं कायम रहूँगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।